हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सेंट जेवीवन। लेट्स रिकॉर्ड द साइंस ऑफ लिविंग। दिस इज योर एडुकेटर सुगन शर्मा। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। उससे पहले हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और सेकेंडरीज के टाइप भी देख लिए थे। अब हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं अबाउट दी सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, बेसिकली दी फंक्शनल फॉर्म ऑफ दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। तो उसको देख लेते हैं। तो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, इसमें कि आपके टर्न्स, हेलिक्स, शीट सब कुछ मिलकर क्या बनाएंगे, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो हम बोलते हैं एक फंक्शनल फॉर्म। बेसिकली क्या हुआ कि एक हेलिक्स हो गया, उसको दूसरे हेलिक्स से अटैच कर लिया, या फिर उसको एक शीट से अटैच कर लिया बाद में, तो इस तरह के स्ट्रक्चर हमारे क्या बना देते हैं, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हम इनको बोलते हैं, जिसमें शीट, टर्न्स, बेसिकली जो हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर अब तक पढ़े हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन। तो सॉर्ट ऑफ ये क्या हो जाती है, फंक्शनल फॉर्म हो जाती है, कि हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर फंक्शनल कम होता है जब वो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तब वो क्या क्रिएट कर देता है, एक मोटिव, एक तरह से ये जो पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, एक तरह से जो स्ट्रक्चर होता है, ये क्या क्रिएट कर देता है, मोटिव्स, जिसके पास क्या होती है, कुछ एक्टिव साइट होती है बाइंडिंग के लिए। जैसे मोटिव्स हमने पढ़े ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के केसेस में, ये होता है डीएनए बाइंडिंग मोटिव्स इनके पास होते हैं, ताकि डीएनए से बाइंड होकर एक पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन करा सके। तो उस तरह के जितने भी हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आ जाएंगे, वो सारे हमारे क्या आ जाएंगे, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं कि हेलिक्स के बेस पर, कि जिसमें हेलिक्स ही वो हेलिक्स टर्न, हेलिक्स की दो हेलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं वायर और टर्न। दूसरा क्या हुआ, शीट टर्न हेलिक्स हो सकता है, कि एक शीट दूसरे टर्न से जुड़ी हो। फिर क्या जाते हैं, शीट मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या आ गया, सारे मिक्स आ गए, कि शीट आ गई, फिर टर्न आ गया, फिर हेलिक्स आ गया, वापस से टर्न आ गया, वापस से शीट आ गई। एक हो जाता है ग्रीक की मोटिव, कि इसमें इस तरह से शीट्स जो होती है एंटी पैरेलल मैनर में अरेंज होती हैं, एंटी पैरेलल वे में, पैरेलल भी हो सकती हैं। और दूसरा कोई सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो ग्रीव की मोटिव बेसिकली इस तरह से हमारा फॉर्म हो जाता है, इस तरह से यहाँ पर टर्न फॉर्म होंगे कि फर्स्ट का लास्ट के साथ, तो उसको हम बोल देते हैं ग्रीव की मोटिव। इसके अलावा भी और एग्जांपल्स हो जाते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के। तो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली हम बोल सकते हैं एक्टिव फॉर्म हो गई किसकी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की, फंक्शनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।